नमस्कार प्रणाम आप सब तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के हमारा के तरुआ सब चिंतित बनी है से कि रोज रोज हम आइए जाइ ना चाचा के ब्लॉग्स लगे ब्लॉग्स पर ताई रुआ सब कहाँ मिलवाओ तनी चाचा से या एगुआ जे रातों रात स्टार होने वाली एक सिंगर हैं जिनका नाम है नेहा नेहारी जी। कल इन्होंने अक्षरा सिंह जी से भेंट इन्होंने किया और आइए चलिए देखते हैं बात कराते हैं कि इनको भेंट करके कैसा लगा और आगे का क्या तैयारी है। ये देखिए हमारे चाचा हैं जो आप बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। और ये है बदमाश भोलू राजा मेरा भतीजा, बहुत अच्छा सिंगर है, आप लोग को पता ही है। ऐसे हंसते रहता है, भगवान करे इसके हंसी हम सब दिन ऐसे हंसते रहे मेरा बेटा। और नेहा न्यारी, नेहा कुछ अलग टाइटल लेके आई थी, उसको मैं नेहा न्यारी टाइटल दिया। और वो अक्षरा की बहुत बड़ी फैन है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, कल अक्षरा से उसको मिलवाया मैं। इसका सपना था, सालों से सपना था कि मैं अक्षरा दीदी से मिलूंगी, और यहाँ आई और मुझसे ऐसे ही बातों बात में जिक्र हो गया, तो मुझे लगा कि चलो मैं अक्षरा से इसको मिलवा देता हूँ। तो एक दिन वीडियो कॉल बात करवा दिया मैं इसको, और कल मैं पटना में अक्षरा से इसको मिलवा भी दिया। और नेहा बहुत खुश है, अब आप लोगों को मैं नेहा से मिलवाता हूँ, उससे आप लोग सुनिए उसके मुंह से कि उसको कैसा लगा। तो ये देखिए आज फिर हम भेंट करा रहे हैं आपसे नेहा नेहारी जी से। लीजिए बोलिए। नमस्ते प्रणाम, बहुत ज़्यादा खुश हैं आज आपके स्टूडियो में हैं। अभी ये हमारे सर हैं जो बरसों से सपना देख रहे थे जिसे मिलने के लिए, हमारे सर 4 दिन के अंदर में मतलब पूरा खुशी ला दिए हैं, मिलवा दिए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आपके स्टूडियो से गाना गा रहे हैं, सर लिखते हैं, गवाते भी हैं, और यहीं से गाना छूटते रहेगा हर महीने में 2-2, 4-4। आप लोग सर्च मारिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा ये बताइए, बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा अच्छा हमारा देखिए एक सवाल है हमारा कि आप तो मान लीजिए कि स्टार बन चुके हैं, अब आप ये बताइए कि आगे का आपका मतलब क्या प्रोग्राम है, ये बताइए। तुम भी प्रेम में। हाँ प्रोग्राम यही है कि मतलब ये तो मेरा मंजिल है और यही पूजा पाठ करना है। हमारे सर हैं, आप लोगों के सामने पैर छू रहे हैं। बहुत आशीर्वाद भगवान करे, सर का देने की इतना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश कभी नहीं थे। खुशी हमेशा रहे भगवान, मतलब यही से आपका हर देसी टोटल काम होता रहेगा। टोटल काम मेरा यही से गाना वगैरह सब कुछ, मतलब यही रहना खाना सब कुछ यही है, जो जिसको हमसे मिलना होगा आपके स्टूडियो आ जाइएगा। कहीं पर भी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि जिसको आगे बढ़ाया जाता है वो यहाँ से भाग जाता है, नहीं नहीं में आता है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे बताइए। नहीं कभी नहीं भागेंगे। तो यही देखिएगा, चाचा तो है कि इनका काम है बढ़ाना, दूसरों को आगे बढ़ाना। तो आप देखिएगा, आप भी और कुछ बोलिए। ये देखिए भैया है, ये भी सिंगर बना दिए, बहुत अच्छा कवि है। अरे विक्की जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस रघु भैया की देन है, जो थोड़ा बहुत गा लेता हूँ या फिर जो भी संगीत संयोजन होता है गान होता है, बस रघु भैया की देन है। बस मैं शौकिया गाता हूँ, इन्होंने मुझे गायक बना दिया। और वो देखिए हमारे गोरख भाई है जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रिकॉर्डिस्ट है, वो अब उनका मत कहिए, उनका क्या सीख रहा है भैया, इसको गोरख को। अभी गोरख मेरे सेवा में रहता है जी, अभी सेवा में रहता है तो सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। अच्छा हम ये भी चाहेंगे कि आपने अक्षरा जी पर गाना गाया है तो उसको एक लाइन थोड़ा सुना दीजिए आप। बटे बदन मिलकी मिलकी, बाल बटे लंबा लंबा सिल्की, रूप इतना सुंदर फिदा होखे मैनु मैन, रूप इतना सुंदर फिदा होखे मैनु मैन, हम है अक्षर के फैन, हम है अक्षर के फैन। ये देखिए अक्षरा जी, अक्षरा जी अक्षर के फैन, हम है अक्षर के फैन। यही तोरे दहाड़त रह, होली न लड़की कमजोर हो, मेहनत से आगे बढ़ली, हिम्मत न हरली थोड़ हो। तो देखिए कितना बढ़िया गाना, गाना रिलीज हो चुका है। भैया देखिए आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं कि एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है और ये सॉन्ग विष्णु म्यूजिक के माध्यम से मतलब रिलीज हो चुका है, कल शायद कल है चाचा, हाँ कल रिलीज हो गया है। और कल या परसों आप लोगों के बीच में वीडियो
मतलब मिलेगा रिलीज ये वीडियो होता है, लेकिन कल अक्षरा बोली हमसे आइए भेंट की, अक्षरा बोली कि ये गाना बहुत अच्छा है, इसको रिलीज कर दीजिए जल्दी, इसलिए कि न्यूज चैनल पे ये गाना अब तो आ जाएगा, न्यूज चैनल पे आ जाएगा, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा गा दे इसको, भोजपुरी में बहुत चोरी होता है गाना। अक्षरा हमको सलाह दी और न्यूज चैनल वाले न्यूज 18 के जो पत्रकार थे वो भी हमको बोले कि क्या नाम उनका, रजनीश जी, वो भी बोले कि सर इसको गाना को रिलीज कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, ऑडियो आप रिलीज कर दीजिए ताकि आपके पास राइट, हाँ आपके पास राइट रहे गाना का। तो हम लोग जल्दी जल्दी कल नेहा का वो पोस्टर, हाँ पोस्टर बनवाए, उसमें गीत संगीत मेरा है और स्वर नेहा का है। आप नाम बताइए, मेरा नाम सब कोई जानता है, नाम ही काफी है, मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, राघवेंद्र रघु नाम है मेरा, रघु ब्लॉग्स के माध्यम से मैं ब्लॉग बनाता हूँ, रघु भैया के नाम से गायकों में ये चर्चित हैं। हाँ रघु के नाम से मैं चर्चित हूँ रघु भैया हिंदुस्तान में। हाँ बोलिए आप कुछ। सबसे बड़ा कलाकार मालिक भी यही गाना भी लिखते हैं, गवाते भी यही है, मालिक नहीं हम, मालिक ऊपर मालिक हम नहीं है, हम बस आप लोग के लिए सहयोगी एक है, आप लोग को हम चाहते है की आप लोग आगे बढ़िए, दुनिया में कुछ नाम कमाइए, कुछ अपने परिवार के लिए कुछ कीजिए, कुछ अपने लिए कीजिए और बाद में मेरे लिए तो अपने आप हो ही जाएगा, तो मेरा बस यही है चाहत। तो आप लोग देखिएगा इस गाने को, तो ये देखिए गाना सुनिए आप लोग, यही गाना है अक्षरा जी के लिए। पूरा गाना सुनने के लिए आप लोग विष्णु म्यूजिक पे सर्च मारिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, विष्णु म्यूजिक पे अक्षरा के फैन नेहा नेहारी सर्च मारिए आ जाएगा, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जम के इसको गाने को शेयर करें एकदम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग चैनल को भी और विष्णु म्यूजिक चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी है तो भूले ना, वही लड़का बटन में दबावे के बाद घंटियों जो नो करो के दबा दो, घंटी दबा दो के बाद बस तब न भैया आगे बढ़ा जाम निके घंटी दबाना चाहिए। ठीक है भैया, नमस्ते भैया, नमस्कार नमस्कार, हर हर महादेव।